हेलो दोस्तों, किसी भी फिल्म की स्टोरी में एक वक्त ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। हीरोज हार रहे होते हैं और दुश्मन जीतने के कगार पर होता है, लेकिन अंत में सब कुछ सही और ठीक हो जाता है और हीरो विलेन को हराने में कामयाब हो जाता है। आज इसी तरह हम आपके सामने एक कंपनी की कहानी पेश कर रहे हैं, जो कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आने के बाद से न केवल खुद को बर्बाद होने से बचा लिया, बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन कॉमिक्स बुक मीडिया पब्लिशर मार्वल कंपनी के बारे में, जो आजकल की दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय मीडिया पब्लिशिंग कंपनी है। और इस कंपनी के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले कॉमिक्स बुक्स और सुपर हीरोज लोगों को बहुत पसंद आते हैं, और यही वह कंपनी है जिसने हमें सबसे ज़्यादा सुपर हीरोज दिए हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन और इसी तरह के कई सारे सुपर हीरोज मार्वल के ही देन हैं। अपने भारत में भी आज के समय में सुपर हीरोज को काफ़ी पसंद किया जा रहा है और सुपर हीरोज की काफ़ी सारी फिल्में आप लोगों ने जरूर देखी होगी, जैसे एवेंजर एंड गेम, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका और भी कई सारे फिल्में हैं जो आप जरूर जानते होंगे। तो आइए इस कंपनी के बारे में हम शुरू से जानते हैं कि कैसे कंपनी इतनी ऊंचाई तक पहुंची। 1939 में मार्टिन गुडमैन नाम के एक आदमी ने कॉमिक्स बुक की लोकप्रियता देखते हुए टाइमली मैगजीन कंपनी की स्थापना की और पहली बार उन्होंने 1 अक्टूबर 1939 को मार्वल कॉमिक्स को पब्लिश किया, जिसमें ह्यूमन टार्च और सबमरीनर जैसे किरदार थे और यह किरदार लोगों को बहुत पसंद आया। वह लोकप्रिय हो गई, इसकी कुल 9,00,000 कॉपीज बिकी और इसके बाद 1 मार्च 1941 को कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स को पब्लिश किया गया और वह कॉमिक्स बुक भी काफ़ी सफल रही। और धीरे धीरे 1950 दशक तक मार्वल कॉमिक्स और कैप्टन अमेरिका दुनिया में उन दिनों लोगों के दिलों पर राज करने लगा था। और इसी बीच स्टैनली ने भी टाइमली मैगजीन में काम करना शुरू कर दिया था और उन्होंने बहुत सारे सुपर हीरोज बनाए। लेकिन अब धीरे धीरे 1950 के दशक के बाद सुपर हीरोज की कॉमिक्स बुक्स ने लोकप्रियता खोनी शुरू कर दी। सुपर हीरोज की स्टोरी ने लोगों को बोर करना शुरू कर दिया था। इसके बाद 1951 में टाइमली मैगजीन का नाम बदलकर एटलस कॉमिक्स कर दिया गया और एटलस कॉमिक्स ने हॉरर, ह्यूमन, फनी, क्राइम, एडवेंचर, ड्रामा और इस तरह के और कई सारे कॉमिक्स बनाने शुरू कर दिए। और इतने सारे बदलाव करने के बावजूद कंपनी को ज़्यादा सफलता नहीं हासिल हुई। इसी दौरान डीसी कॉमिक्स उसकी दमदार कहानी और सुपर हीरोज के दम पर बुलंदियां पा रही थी। डीसी कॉमिक्स मार्वल कॉमिक्स की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी यानी कंपटीटर कंपनी थी और आगे चलकर 1972 में स्टैनली कंपनी के एडिटर इन चीफ बन गए थे और उन्होंने जैक किर्बी के साथ मिलकर और भी कई सारे सुपर हीरोज बनाए, जो कि बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़े लोगों के ध्यान में रखते हुए उन्हें पसंद आया, इस तरह से उन्हें डिजाइन किया गया। और इस तरह मार्वल ने अपने नए स्टोरी लाइन के चलते जो कि सुपर हीरोज को आगे से परफेक्ट नहीं दिखाया गया, जबकि पहले वह परफेक्ट दिखाते आ रहे थे। किसी तरह कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियां तो सब में होती है और सुपर हीरोज भी परफेक्ट नहीं होते हैं। इसी तरह स्टोरी लाइन के साथ मार्वल ने अपनी लोकप्रियता की बुनियाद रखी। इस दौरान मार्वल ने हल्क, थॉर, एंटमैन, आयरन मैन, एक्स मैन, इनह्यूमैन, ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, सिल्वर सर्फर, इतने सारे कई सुपर हीरोज पर कॉमिक्स बनाने शुरू किए। इसी तरह मार्वल के पास बहुत सारे किरदार तैयार हो गए थे जो लोगों को आकर्षित किए जा रहे थे। इसकी लोकप्रियता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1968 तक मार्वल अपने कॉमिक्स बुक की 50 मिलियन कॉपी बेचने में सफल रही। हालांकि आगे चलकर मैगजीन मैनेजमेंट को परफेक्ट फिल्म एंड कॉरपोरेशन ने खरीद लिया, फिर मैगजीन मैनेजमेंट का नाम बदलकर मार्वल कॉमिक्स ग्रुप कर दिया गया। हालांकि आगे और भी ऐसे कई सारे कंपनियों ने मार्वल को खरीदा और बेचा। कंपनियों के मालिक का बार बार बदलना और कई सारे बुरे डील के चलते 1996 आते आते कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ चुकी थी। आगे चलकर मार्वल को 1997 में टाय बीज नाम की कंपनी ने खरीद लिया और अपनी सूझबूझ से मार्वल को दिवालिया होने से बचाया। टाय बीज के को ऑनर आइसेक परलमटर ने मार्वल को पटरी पर लाने का काम किया और आगे चलकर 31 अगस्त 2009 को मार्वल को वर्ल्ड डिज्नी ने खरीद लिया। और जब यह डील हुई तब डीसी कॉमिक्स मार्केट पर राज कर रहे थे। मार्वल और वॉल्ट डिज्नी का मिल जाना इस बात का गवाह था कि आगे आने वाले दिनों में मार्वल एक बार फिर से लोगों के दिलों पर राज करेगी। और ठीक वैसा ही हुआ। मार्वल और वॉल्ट डिज्नी के डील से
उनके द्वारा प्रकाशित किए गए फिल्म और कॉमिक्स ने दुनिया भर में लोकप्रियता बढ़ती चली गई। 2007 के बाद महीना भर के सब्सक्रिप्शन या फिर साल भर की सब्सक्रिप्शन से मार्वल कॉमिक्स को डिजिटली तरीके से पढ़ा जा सकता था। और आज के समय में भी मार्वल के द्वारा बनाए जाने वाले फिल्मों का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आते हैं। वक्त के साथ बदलाव लाने की कला के वजह से मार्वल कॉमिक्स आज के दौर में सफल हुई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मार्वल के बारे में काफ़ी सारी जानकारी आपको पता चल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।